दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह का आज स्टेटस बनाते सीखेंगे, तो इसके लिए आपको अलर्ट मोशन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कैसे डाउनलोड करना। उसके बाद एक सॉन्ग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इनपुट करके डायरेक्ट अलर्ट मोशन पर शेयर कर दीजिएगा, तो अपने आप अलर्ट मोशन पर आ जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक इनपुट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सॉन्ग अपना ऐड हो जाएगा अपने आप। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, इस प्लस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करके यहाँ से सॉन्ग यानी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्लस पर इस तरह से क्लिक करके यहाँ पर आपको थ्री डॉट बिंदु मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर फिल स्क्रीन कर देना। फिल स्क्रीन करने के बाद ये वाला तीर का ऑप्शन दिख रही है, यहाँ पर क्लिक कर देना। इस तरह से क्लिक करना और यहाँ वाला ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर इस तरह क्लिक कर देना, ये पीछे का पार्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद यहाँ से अगला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इमेज एंड वीडियो में जाके व्यू वॉल पर क्लिक करके यहाँ से अगला फ़ोटो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ फिल स्क्रीन कर देता हूँ, तो इस तरह से यहाँ पर फिर से ये वाला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर कट कर देना। तो इस तरह से सारे फ़ोटो ऐड कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैं जल्दी जल्दी इस तरह से फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सारे फ़ोटो ऐड कर लिए, देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से ऐड कर लिया। उसके बाद आपको इधर बैक जाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह बैक जाना, उसके बाद ये वाले इफेक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप इनपुट करके यहाँ तक आ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर वाली फ़ोटो पर इस तरह से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर देना। कॉपी इफेक्ट करने के बाद वापस उसी प्रोजेक्ट पर चले जाना, ठीक है दोस्तों। इस पर आ गए, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, इस तरह से कर दिए। उसके बाद इधर खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद एक फ़ोटो छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। ये इसमें लगा दी, तो ये छोड़ देना और इस तरह से इस फ़ोटो में इस तरह से इफेक्ट लगा लें, ठीक है दोस्तों। तो एक एक फ़ोटो छोड़ के इफेक्ट इस तरह से लगा लें, ठीक है दोस्तों। मैं इस तरह से इफेक्ट लगा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये इफेक्ट अपन को कहाँ तक लगानी है, इधर आ जाना है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक लगानी है, ठीक है दोस्तों। एक फ़ोटो छोड़ के इन बड़ों फ़ोटो में नहीं लगाने, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सारे फ़ोटो में एक एक फ़ोटो छोड़ के लगा लेनी है, ठीक है दोस्तों। मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाली इफेक्ट है, इस तरह से एक एक फ़ोटो छोड़ के मैंने लगा ली। उसके बाद वापस बैक जाना, बैक जाने के बाद वापस इसी यहाँ पर क्लिक कर देना, इस इफेक्ट पर क्लिक करना। उसके बाद दूसरे नंबर फ़ोटो पे यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना। कॉपी इफेक्ट करने के बाद वापस उसी प्रोजेक्ट पर जो अभी बना रहे थे उस पर जाना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आ गए। उसके बाद आपको जिन जिन फ़ोटो में इफेक्ट छोड़ी उस फ़ोटो में इस तरह से इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ, तो जहाँ वहाँ बड़े फ़ोटो वहाँ तक इफेक्ट ऐड करनी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ऐड कर लेनी, ठीक है दोस्तों। मैं जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने इस तरह से की इफेक्ट लगा ली। उसके बाद इन दो फ़ोटो ये बड़े बड़े आएगा, इनको छोड़ देना है। उसके बाद ये तीन फ़ोटो उसके बाद वाले ये वाला एक दो और तीन, इनमें भी ये वाली इफेक्ट लगा लेने, ठीक है दोस्तों। तो मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। तो इस तरह से इफेक्ट इनमें तीनों में लगा लेने, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली अपलोड इसी स्टेटस के संबंधित टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इनमें इफेक्ट लगा ली। उसके बाद बैक जाना है, बैक जाने के बाद ये इस इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर तीसरे फ़ोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर देनी। कॉपी इफेक्ट करने के बाद वापस उसी प्रोजेक्ट पर जाना है, उसी पर जाने के बाद इधर आ जाना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आ जाना है, इधर आ जाना है। बड़े फ़ोटो में ये इफेक्ट लगा ली अपने, ये तीन फ़ोटो, उनके बाद ये जितने भी फ़ोटो है इनमें सारे में इफेक्ट ऐड कर लें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह से इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सारे फ़ोटो में इफेक्ट ऐड कर लिए। उसके बाद जो अपने दो फ़ोटो छूटे थे वहाँ जाना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दो फ़ोटो जो बड़े बड़े छूटे थे उन पर चले जाना, इस तरह से आ गए, इस तरह से आ जाना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आने के बाद फ़ोटो पर इस तरह से क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रहा है, ये पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर तीर पर क्लिक करके इसको इस तरह से जूम कर देना, ठीक है। तो फुल जूम इस तरह से कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर फर्स्ट फ़ोटो में इस तरह से आ जाना, ठीक है दोस्तों।
और यहाँ पर आपको प्लस मिलेगा, इस तरह से प्लस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस फोटो को इस तरह से खींच लेना, ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर लेना है, इस तरह से करना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर वापस प्लस पर क्लिक कर देना और इस तरह से खींच देना, ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर दिया। उसके बाद इस तरह से लास्ट टाइम आ जाना है, इस फोटो को इस तरह से लास्ट टाइम आ जाना है, इस तरह से लास्ट टाइम आना और इस यहाँ पर प्लस क्लिप पर क्लिक करके इसको इस तरह से खींच देना है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो ये अपनी इफेक्ट लग जाएगी इस तरह से, सेम उसी फोटो में भी इनमें भी इस तरह से ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कर लेता हूँ, तो दोस्तों इस तरह से इफेक्ट ऐड कर ली। उसके बाद आपको फाइनली अपना स्टेटस बन के तैयार हो गया। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये वाला तीर का ऑप्शन मिल जाएगा कोने में, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, तो ये अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।